अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तकरीबन 3 या 2 दिन से एडिट कर रहे हैं। ये हमारी एडिट टीम है ओवर दी एच की, और जहीर भाई हैं ये। जहीर भाई, ये कैसा की शूटिंग नहीं हो रही कि आप हाथ हिला रहे हैं? वो देखो कैमरा। तो जहीर भाई जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त एडिटर हैं, और इनकी पूरी टीम है जो ओवर दी एच की एडिटिंग कर रही है। और इस एडिट में हम लोगों को लगता होगा बड़ी आसान है एडिट। कितने दिन से हम यहाँ पर हैं? क्या हो रहा है? 10 दिन से मैं ये काट रहा हूँ भाई। अच्छा, और जहीर भाई आपको कैसा लग रहा है अभी तक? भाई बहुत बहुत अच्छा शो है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरूर देखिएगा। सही है। और ये मंडे को, जो कमिंग मंडे है, इसमें आएगा रात को 8 बजे HTV पे। तो HTV पे देखेंगे तो फायदा है। अगर आप कहेंगे इंटरनेट पे से अपलोड कर दें, इंटरनेट पे देखें, तो इंटरनेट पे हमें अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है। इंटरनेट पे 1 करोड़ भी व्यूज हो जाए तो हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप समझते हैं कि इंडियन कॉन्टेंट जो पाकिस्तानी चैनल्स पे चलता है, वैसे तो हम इसके खिलाफ हैं कि पाकिस्तानी चैनल्स पे इंडियन कॉन्टेंट नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर चल रहा है तो आपको चाहिए कि HTV पे आप एपिसोड देखें। जितना ज़्यादा आप मंडे को 8 बजे HTV पे देखेंगे, ऑडिशन के एपिसोड देखने के बाद आपको लगेगा कि कोई इंटरनेशनल लेवल का शो हुआ है। मज़ा ना आए तो फिर आप मुझे बताइएगा। अच्छा, ये अभी हमारा पूरा एक एडिट का जो है कल से चल रहा है, और जहीर भाई रात को चले जाते हैं, ये नहीं बता रहे हैं, उसमें शामिल हो गए। और रात को जो मेरे साथ बंदा यहाँ रुकता है एडिटिंग पे, ये है सीनियर प्रोड्यूसर मोहसिन। इन्होंने प्रोड्यूस किया शो हमारे साथ। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अब तक का? बहुत अच्छा रहा, और यहाँ ऑडिशन से लेके बैकआउट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मंडे को 8 बजे जो एपिसोड आ रहा मंडे को है, 8 बजे ज़रूर देखिएगा, और जितने लोगों को आप बता सकते हैं उनको बताएं। ठीक है, कोशिश करें कि HTV पे इंटरनेट पे देखें। ना देखें, HTV पे देखें, ताकि हमें आगे फायदा बढ़ने हो, का और मौका मिले। वरना ये कि जैसे पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर इंडियन रियलिटी शो चलते हैं, और इसके अलावा कोई भी शो नहीं आप देखेंगे, कोई सिंगिंग कॉन्टेस्ट, कोई टैलेंट शो, कुछ भी नहीं होता, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ओवर द एज में इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो लोग हेल्दी हैं उनके ऑडिशंस लिए जाएंगे। मैं नहीं, अनुषे लेगी, उसके बाद साइकेट्रिस्ट का पूरा एक डिपार्टमेंट है, वो उनको मेंटली जज करेगा। उसके बाद तीसरी स्टेज पे मेरी बारी आती है। तो हो सकता है कुछ लोगों को अगर मैं सिलेक्ट नहीं भी करता, तो साइकेट्रिस्ट ने अगर सेलेक्ट किया तो हो जाए। बड़ा डिफरेंट है लिविंग ऑन द एज में, इस तरह डिफरेंट स्टेजेस या जजेस नहीं थे, इसमें डिफरेंट स्टेजेस और जजेस हैं, और ऑडिशन लेने का तरीका बहुत डिफरेंट है। जो प्रोमोज हैं वो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और बाज लोग समझ रहे हैं शायद ये लिविंग ऑन द एज से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट लिविंग ऑन द एज में नहीं थे। उसके अलावा अनुषे का एक प्रेजेंस है, वो इसमें बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आएगी। तो ऑडिशन बहुत आपको डिफरेंट नजर आएंगे। फिर वही बात, पाकिस्तान में हर चैनल पे आपको इंडियन कंटेंट नजर आ रहा है। हमें ये कि इंडियन रियलिटी शोज चलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो अपने चैनल्स हैं वो एक भी शो नहीं बना रहे किसी भी पाकिस्तानी टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर ये शो बन रहा है और HTV बना रहा है, तो इसको HTV पे देखें, क्योंकि रेटिंग्स जो है वो मैटर करती हैं। रेटिंग्स इसी तरह भाई जैसे क्लास में बच्चा जो है पढ़ता है नंबर लाने के लिए, नंबर नहीं आएंगे और बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो तो उसके वाहवाह नहीं होती इतनी ज्यादा। तो ये TV पे आप देखेंगे, और जितने लोग आप कहेंगे कि 8 बजे मंडे को आप देखें तो उसका फायदा होगा। और हमारे साथ ये खावर है, खावर ने जो है कंटेंट देख रहे हैं सारा, और इन्होंने तकरीबन 10 दिन हमारे साथ गुजारे हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे एडिट यूनिट के ऊपर, तो खावर थोड़ा बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पाकिस्तान में रियलिटी शोज तो बन ही नहीं रहे बिल्कुल, और टैलेंट को प्रमोट करने के लिए 0 शोज हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, हम इसके खिलाफ नहीं है कि इंडियन शोज ना बने, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई शो नहीं देखेगा TV पे तो फिर फायदा नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवर द एज का? बहुत ज़बरदस्त था और बहुत डिफरेंट था, क्योंकि अब तक जब जितने भी शोज हो रहे हैं उसके अंदर या तो लोगों की बेइज्जती होती है या फिर कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं जो आ रहे होते हैं। हमने यहाँ पे जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो सेलिब्रिटी बनने का मौका मिल रहा है, उनको सेलिब्रिटी बनने का मौका मिल रहा है, लोगों को TV पे आने का और अपना जौहर दिखाने का मौका मिल रहा है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा मैंने अब तक। जो रिस्पॉन्स देखा माशाल्लाह, जिस किस्म का बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, अंकल, आंटी, छोटे बच्चे, जिस बहुत जबरदस्त बेहतरीन। और मेरे ख्याल से जब आप सब लोग देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि 11 साल से लेकर 50 साल तक के आपको जो है लोग इसमें नजर आएंगे, और हर कोई उसी जोश और जज्बे से आएगा। और फिर वही बात के ऑडिशन के जो 3 फेजेस रखे हुए अनुषे, साइकेट्रिस्ट, फिर मैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू एनी अदर रियलिटी शो। अच्छा खावर, मुझे बताएं कि जो बैक हाउस में 10 दिन आपने गुजारे वो कैसे? वो दिन रात की शूट थी, बहुत हेक्टिक था, बहुत हेक्टिक था, हमारी टीम के लिए भी नया था, बहुत मजा आया। बताएं जरा टीम के हवाले से, प्रोड्यूसर जो है हमारे सीनियर प्रोड्यूसर मोहसिन, ये मेरे साथ रात को रुकते, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती है, और इनसे अनबन भी मेरी शूट पे बड़ी होती थी। और खावर वो आदमी है, ये खावर आपको मैं इसकी खास बात बताऊं, एक शाहनवाज भी है करेक्टर, वो एक अलग है, तो उसने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन खावर जो है वो एक परफेक्ट आदमी है किसी भी चैनल के कंटेंट के लिए। उसकी वजह क्या है? एक तो ये लड़ता नहीं है, पहली चीज़।
जो भी बात बतानी होती है सीधे तरीके से बता देता है और समझ भी जाता है। इसके क्रिएटिव ईगोज नहीं है, वो ईगो होता है ना, नहीं बैठ गया तू क्या, वो देखो वहां से लाइव देख रहा है उसको, देख ये देख हमारे यहाँ देख कुछ और भी देख रहे हो, ये भी नहीं देख रहे। तो इसकी ये खास बात है, ठंडा इंसान होना चाहिए। तो खावर को, खावर ने बड़ा हेल्प किया है और इसको एक फैमिली एंटरटेनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दफा आउट हो जाता हूँ, तो इसने बड़ा कंट्रोल रखा है उस चीज़ को कि आप इस शो को जब देखेंगे तो लिविंग ऑन द एज में ये होता था कि आप फैमिली मेंबर जो हैं, फैमिली शो तो होता था लेकिन अलग अलग कमरों में बैठ के देखते थे फैमिली ना, इसमें ये होगा कि आप फैमिली के साथ बैठ के जब देख रहे होंगे तो आपको ये नहीं होगा कि आप चैनल स्विच कर दें, अम्मी के साथ देखें, बहन के साथ देखें, आपको मजा आएगा देखने में। अच्छा ये जो एक और भाई है वो कहेंगे ये उमेर है, इन्होंने बैक हाउस में काफी सारी लड़कियों में लाइन मारी है। तो और तैयब जो है, तैयब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और तैयब की डेजिग्नेशन है एसोसिएट प्रोड्यूसर है या सीनियर वाइस एसोसिएट प्रोड्यूसर जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताएं? मेरा ऑडिशन भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ऑडिशन भी दिया था आपने, ऑडिशन को ज़्यादा मैनेज करने में और बैक हाउस में बहुत अच्छा ऑडिशन रहा। और जैसे कि वगैरह मैंने बताया कि आपको बिल्कुल डिफरेंट है ये शो, इसमें किसी किस्म का वल्गर कंटेंट नहीं है, फैमिली कंटेंट है, आप देख सकते हैं। हेल्दी हमने टास्क रखे थे, खासकर वगैरह भाई के जहन में जो थे चीज़ें थी, नहीं आप लोगों के बिजनेस सबने मिलकर डिज़ाइन किया, हम ओवरऑल पूरी टीम का ज़ाहिर लीड ये कर रहे थे वगैरह भाई। तो अच्छा कॉन्टेंट है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, हेल्दी कॉन्टेंट है, मज़ा आएगा आपको, ह्यूमर भी इसमें रखा है और खासकर फैमिली के लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है, आप लाजमी देखिएगा। और खासकर वही बात टी वी पर देखें, सबसे ये रिक्वेस्ट है टीवी पे देखें, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे तो आप देख लेंगे, लेकिन टीवी पे लास्ट में देखें, उसमें है कि हमें भी फायदा होगा और दोबारा बनाने का फिर हमें दिल करेगा, बिल्कुल हमें दोबारा बनाने का दिल भी करेगा। खास तौर पे जैसा वकार ने कहा कि इंडियन कंटेंट है, हमारा पाकिस्तान में गिने चुना एक ही मतलब रियलिटी, एक रियलिटी शो है। आप एज अ पाकिस्तानी आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे इस शो को, किसी भी रियलिटी शो को, तब तक कहीं पाकिस्तान में दूसरा रियलिटी शो नहीं आएगा। और खासतौर पर किसी भी पाकिस्तानी के लिए, शहरी के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं आ पाएगा कि वो प्रमोट हो सके, एक बकायदा जेन्युइन जो है टैलेंट सामने नहीं आ पाएगा। इस तरह के प्लेटफॉर्म से जेन्युइन टैलेंट सामने आएगा और आपको इस शो में भी जेन्युइन टैलेंट नज़र आएगा और आप अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छा और अहम चीज़ ये है कि इस शो में फिर बता दूँ, इमोशनली मेंटली फिजिकली जो लोग हेल्दी हैं वो 20 दिन के लिए बगैर इंटरनेट बगैर टीवी के 20 कंटेस्टेंट्स एक जगह पर रहेंगे बैक हाउस में। उसके पहले 3-4 एपिसोड्स हैं जो ऑडिशंस के हैं, तो ऑडिशंस में हमने कोशिश की है कि जो आपको सस्पेंस नज़र आ रहा है वो जो 25 तारीख को मतलब 3-4 दिन के बाद पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 8 बजे शुरू हो जाएगा और 1 घंटे का एपिसोड है, नॉन स्टॉप एक्शन होगा, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट होगी। तो अगर आप सीरियल ड्रामे जो भी देखते हैं आप सिर्फ अपने दोस्तों को कहेंगे ना कि HTV आप 8 बजे लगा के देखें, तो आपको अगर 5 मिनट देखने में भी अगर मज़ा ना आ रहा ना तो आपने लिख देना यार बेकार था। एक होता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल है या बड़ी अजीब सी बात होगी, एक होता है मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मज़ा आपको आएगा देखने में। और इसके अलावा हमारे एक और एडिटर हैं ये शोएब भाई हैं, ये बड़े वाले साहब कैसे हैं शोएब भाई, शादी हो गई आपकी? जी माशाल्लाह से एक बेटी है मेरी। अच्छा मैंने कहा माशाल्लाह से 2-3 हो गई हैं। अच्छा अच्छा जबरदस्त। तो शोएब भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा एडिटिंग का आपका अभी तक? बहुत अच्छा है, बाकी शोज के मुकाबले में कैसा लगा आपको ये? बिल्कुल अलग ही शो है ना, रियलिटी शो है तो इसमें बड़ा मजा आ रहा है एडिटिंग करने में, मजा आ रहा है वाकई। चलिए आज हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उड़ गया था जो हमने बनाया था रात से 2 दिन मेहनत करने के बाद, जो मेरी शक्ल इतनी खराब हो गई वो उसके लिए, क्योंकि मैं मोहसिन और तैयब, ये तैयब एक रात रुकता है फिर ये एक रात रुकता है, मैं ज्यादा रातें रुकता हूँ, मुझे जिन बोलते हैं, पता नहीं जिन्नात क्यों बोलते हैं आप मुझे, पता नहीं भाई कौन सा मोकल कौन सा जिन रखा है, कहाँ जाता है वो जिन और मोकल जो भी है वो टीवी रेटिंग्स में प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करें, क्योंकि देखें इस शो के हिट होने से मुझे फायदा नहीं है, उन लोगों को जो इस शो में आए, प्लस ये शो हिट होगा तो और टीवी चैनल्स रियलिटी शोज बनाएंगे जिसमें पाकिस्तानी लोकल टैलेंट जो है वो आ सकेगा। ये नहीं हिट होगा तो मैं वही फेसबुक पे वीडियो बनाऊंगा, यहाँ वहाँ जाके और काम करूंगा, वापस और काम करने लग जाऊंगा, देसी कुड़ियाँ बना लूंगा दोबारा, तो मेरा नहीं है ये। HTV से करने का फायदा ये है कि मकसद ये कि आप लोग लोकल टैलेंट को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। मंडे की रात 8 बजे आपने देखना है, बाकी टीम वालों से भी आपको मिलवाएंगे HTV के लोग, एक सिस्टम पे भी मैं, दूसरे सिस्टम पे भी मैं, तीसरे सिस्टम पे मैं, चौथे इस पे भी मैं, 4-4, 5-5 जगह पर ये एडिटिंग पे लगा हुआ है। और देखें इतनी जगह जब एडिट पे लगा हो और पैसे ना वसूल हो रहे हो तो फिर सेठ बोलेगा ठीक है भाई वही करते हैं, बैठाओ इसको मॉर्निंग शो में बैठाओ, लाइव कॉल ले लो, तो इतने मुश्किल शो हम क्यों बनाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने देख के जरूर बताना है मंडे रात 8 बजे आपको ओवर द एज कैसा लगा। और राहिल गिल, ये राहिल गिल जो है इधर आ जाओ बेटा, ये ब्यूटी क्या है भाई, ब्यूटी शॉट डायरेक्टर, ये ब्यूटी शॉट है, डायरेक्टर तो नहीं है ब्यूटी शॉट है। राहिल गिल जो है ये क्या कर देगा,
क्या करते हो? कुछ नहीं भाई। अच्छा, तो राहिल गिल जो है ब्यूटी शॉट डायरेक्टर है, इन्होंने ब्यूटी शॉट जितने भी आपको नजर आएंगे ओवर दी एज में वो इन्होंने बनाए हैं, और इसी तरह मुंह छुपाते फिर रहे हैं, जब भी इनके फ्रेमिंग हम देखते हैं ऐसे मुंह छुपा रहे होते हैं। और राहिल थोड़ा बताए कैसा एक्सपीरियंस आपका? भाई एक मिनट, जो ये लाइव है भाई, हाँ वही देख रहा हूँ। चलो अब बताओ जल्दी एक्सपीरियंस कर यार। अच्छा फिर, अच्छा सेलिब्रिटी वो ऐसे बन गया है। अच्छा भाई, एक शो है अजहर का, कॉमन सेंस ना, वो अजहर ने कॉन्सेप्ट बनाया था बहुत अरसे पहले, तो उसको वो इन्होंने चुरा के कर लिया था, वो बड़ा बुरा सीन किया था। ये गलत है किसी है भाई? जहीर भाई आप बताएं। मैंने राहिल ने भी अच्छा किया था। नहीं पहले किसने किया था? नहीं एक तो सच के अलमबरदार बैठे हैं हमारे साथ, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और आप राहिल ठीक है क्या सर? आपको ओवर द एज का एक्सपीरियंस? आतिफ असलम हूं मैं भाई, मैं सिर्फ मैं ओके करूं हो जाएगा। चलिए जी, मंडे रात